डियर स्टूडेंट आरसीआई एजुहब बांसू की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन बात कर रहे थे एल्कोहल निर्माण की विधियों के अंतर्गत, अपन ने सेकेंडरी एल्कोहल का निर्माण कर चुके थे, आज बात करेंगे टर्शरी एल्कोहलों का निर्माण। अब ये जो टर्शरी एल्कोहलों का जो निर्माण है वो किस प्रकार, यानी कि सेकेंडरी एल्कोहल के अंदर एक मेथड आपने पढ़ लिया था, उसी सेकेंडरी एल्कोहल के अंदर अपन एक मेथड और पढ़ेंगे, फॉर्मिक अमल के एस्टर से क्रिया द्वारा किस प्रकार सेकेंडरी एल्कोहल का निर्माण होता है। तो टॉपिक आज का रहेगा अपना फॉर्मिक अमल के एस्टर से क्रिया द्वारा, फॉर्मिक अमल के एस्टर से क्रिया द्वारा, फॉर्मिक अमल के एस्टर से क्रिया द्वारा किस प्रकार से अपन को सेकेंडरी एल्कोहल का निर्माण करना है। तो यानी कि होता क्या है कि वही गिरनार अभिकर्मक होगा, उस गिरनार अभिकर्मक की अभिक्रिया जो है वो फॉर्मिक अमल के एस्टर के साथ अपन करवाएंगे, तो वहां से क्या होगा एडेक्ट बनेगा, और उस एडेक्ट का वही तनु एसिड की प्रेजेंस में अपन को क्या करवाना है हाइड्रोलाइसिस करवाना है, क्या बन जाएगा वहां से सेकेंडरी एल्कोहल। लेकिन यहां से ध्यान रखने योग्य बात क्या होगी कि यहां से जो इस रिएक्शन के अंदर अपन जो सेकेंडरी एल्कोहल का निर्माण कर रहे हैं उसमें जो गिरनार अभिकर्मक के जो दो मोल है वो एस्टर के एक मोल के साथ क्रिया करते हैं। यहाँ पे नोट लगा के ध्यान रखने योग्य बात है कि फॉर्मिक अमल के एस्टर से जब भी आप क्रिया करवाएं और सेकेंडरी एल्कोहल बनाना है तो अपन को गिरनार अभिकर्मक के दो मोल फॉर्मिक एस्टर के एक मोल के साथ क्रिया करके सेकेंडरी एल्कोहल का निर्माण करना है। तो देखो किस प्रकार होगा, देखो यहां से गिरनार अभिकर्मक मैंने लिया आर एम जी एक्स, इस गिरनार अभिकर्मक की जो अभिक्रिया है फॉर्मिक अमल के एस्टर एस सी डबल बोन ओ और सी टू एच फाइव, इसको बोलते हैं फॉर्मिक अमल का जो एस्टर, फॉर्मिक अमल का एस्टर डेरिवेटिव, ये क्या है आपका फॉर्मिक अमल का एस्टर, ये क्या है आपका वही गिरनार अभिकर्मक है आर एम जी एक्स, गिरनार अभिकर्मक किसकी प्रेजेंस में अभिक्रिया करवानी है, वो इस ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करवानी, कैसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा, यहां से टूटेगा मेटल पे क्या आएगा पार्शियली पॉजिटिव, यहां पे क्या आएगा पार्शियली नेगेटिव, यहां से आपको बताया कार्बोनिल बॉन्ड डिस्कनेक्ट करवाना है, कार्बन ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता में अंतर होने के कारण ऑक्सीजन पे क्या आएगा पार्शियली नेगेटिव, इसके ऊपर क्या आएगा पार्शियली पॉजिटिव। तो देखिए यहां से जो आर नेगेटिव है आपका वो कहां से जुड़ जाएगा इस कार्बन पॉजिटिव पे, और ये जो Mg पर पॉजिटिव है वो कहां पे जुड़ जाएगी इस O नेगेटिव के, कंपाउंड जो एडेक्ट के रूप में बनेगा देखें क्या बन जाएगा H, यहां से C, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा O, यहां पे मैंने क्या जोड़ दिया MgX, यहां पे OC2H5 पहले से जुड़ा हुआ है OC2H5, ऐसे कैसे लिख दे यहां, अब ये जो कार्बन था इस कार्बन पे क्या जुड़ जाएगा आर नेगेटिव, तो देखो यहां से मैंने इस कार्बन पे क्या जोड़ दिया आर, तो ये जो कंपाउंड बनता है इसको बोलते हैं एडेक्ट योगोत्पाद बनेगा, इस योगोत्पाद का आगे वही आपको पता है एसिडिक कंडीशन होगी, एसिडिक कंडीशन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा यहां से ये जो मॉलिक्यूल्स है देखो कार्बन ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता में अंतर होने के कारण यहां से बॉन्ड का डिस्कनेक्शन होगा, यहां पर क्या आएगा नेगेटिव, इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा पॉजिटिव, यहां से मेटल वाला बॉन्ड डिस्कनेक्ट होगा मेटल पे क्या आएगा पॉजिटिव, तो इसके ऊपर क्या आएगा नेगेटिव, तो देखो यहां से Mg पॉजिटिव पार्ट है वो कहां पे जुड़ जाएगा इस नेगेटिव पार्ट के ऊपर, तो देखो ये सह उत्पाद के रूप में क्या बाहर निकल जाएगा ये Mg, और इस Mg पे X पहले से जुड़ा हुआ है, इस Mg पॉजिटिव के ऊपर कौन जाएगा आ जाएगा OC2H5 ये आ जाएगा, यहां से देखें अब कार्बन पे क्या है पॉजिटिव ऑक्सीजन पे क्या है पार्शियली नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, तो देखो R ये सिंगल बॉन्डेड C दोनों के बीच में क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहां पे क्या जाएगा H, ये बन जाएगा आपका RCH2 एसिड एल्डिहाइड बन जाएगा, यहां से क्या बन गया आपका एल्डिहाइड, मैंने बताया था ना कि गिरनार अभिकर्मक का एक मोल आपने फॉर्मिक अमल के एस्टर के साथ क्रिया करवाया, तो यहां से फाइनल प्रोडक्ट कौन बन रहा है एल्डिहाइड बन रहा है, लेकिन अभी सेकेंडरी एल्कोहल का निर्माण नहीं हुआ है, तो उनको मैंने कहा था कि यहां पे जब भी गिरनार अभिकर्मक फॉर्मिक अमल के एस्टर के साथ क्रिया करता है तो कितने मोल क्रिया करेंगे वहां पे गिरनार अभिकर्मक के दो, तो आपने एक मोल क्रिया करवा चुके हैं, तो सेकेंड मोल किसके साथ क्रिया करवाएंगे इसके साथ,
देखो यहां से सेकंड मोल के बीच में जो अभिक्रिया होगी तो आर एम जी एक्स इसके साथ क्रिया करेगा, कैसे टूट जाएगा ये, यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पे कहेगा पार्शियली पॉजिटिव, ये कैसे टूट जाएगा यहां से, ये नेगेटिव, यहां पे कहेगा पॉजिटिव। देखो यहां से क्या बन जाएगा आपका R, ये क्या है आपका सी ओ, यहां पे क्यों जुड़ जाएगा फिर एम जी एक्स, यहां पे H पहले से जुड़ा हुआ है क्योंकि R C डबल बॉन्डेड कंपाउंड किसमें कन्वर्ट हो गया, यहां पे सिंगल बॉन्डेड में O नेगेटिव था, उस O नेगेटिव के ऊपर क्या जुड़ जाएगा एम जी एक्स, और इस कार्बन पे क्या था पॉजिटिव, एच पहले से जुड़ा हुआ था ये वाला, अब इस कार्बन पॉजिटिव के ऊपर क्या जुड़ जाएगा आर नेगेटिव, तो मैंने यहां से जुड़ दिया, ये क्या बन जाएगा आपका सेकेंड योग होगा ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करें। अब इसका क्या करवाएंगे आप, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे यहां पर, तनु एसिड की प्रेजेंस में यहां पे मैंने क्या करवाया हाइड्रोलाइसिस, कैसे टूट जाएगा एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव, तो देखो यहां से कौन सा बॉन्ड डिस्कनेक्ट हो जाएगा ये वाला, मेटल पे क्या आएगा पार्शियली पॉजिटिव, इस पे क्या आएगा पार्शियली नेगेटिव, देखो एम जी एक्स इसके ऊपर क्या जुड़ जाएगा ओ एच, तो ये आउट कौन हो जाएगा यहां से एम जी एक्स, यहां पे ओ एच, देखो यहां पे आर आर पहले से जुड़ा हुआ है आर सी, ये आर सी पर एच पहले से जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्डेड क्या है ऑक्सीजन, इस ओ नेगेटिव पे क्या जुड़ जाएगा एच पॉजिटिव, ये क्या बन जाएगा आपका एल्कोल। अब ये OS समूह जो जुड़ रहा है इस कार्बन से जुड़ रहा है, इस कार्बन से कितने एल्किल ग्रुप जुड़ रहे हैं दो, यदि OS समूह से जुड़े हुए कार्बन दो एल्किल समूह जुड़े हुए हैं तो फिर एल्कोल कैसे कहलाएगा आपका 2 डिग्री एल्कोल, इसे बोलते हैं सेकेंडरी एल्कोल। नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे अपन, आपने पढ़ लिया आपने प्राइमरी एल्कोलों का निर्माण कर लिया, सेकेंडरी एल्कोलों का निर्माण कर लिया, उसी के अंदर अपन पढ़ रहे हैं थर्ड में टर्शियरी एल्कोलों का निर्माण, 3 डिग्री जो एल्कोल है उसका निर्माण किस प्रकार होता है, तो यहां पे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे थर्ड के अंदर तृतीयक एल्कोलों का निर्माण किसके थ्रू करेंगे, यहां से एसीटोन से क्रिया द्वारा, इसके अंदर सब टॉपिक पढ़ रहे हैं एसीटोन से क्रिया द्वारा, एसीटोन से क्रिया। अब यहां से क्या होता है कि एसीटोन जो है उस एसीटोन की अभिक्रिया ग्रिनार रिएजेंट के साथ करवाएंगे अपन शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो क्या बन जाएगा यहां से एडक्ट बन जाएगा, उस एडक्ट का तनु एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करवा दे तो किसका निर्माण हो जाएगा टर्शियरी एल्कोलों का निर्माण हो जाएगा। कैसे होता है देखिए एग्जाम्पल के रूप में मैंने बात करता हूं, यहां से एसीटोन के रूप में मैंने लिया सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री, इसकी रिएक्शन करवाई मैंने ग्रिनार रिएजेंट के साथ आर एम जी एक्स, इसका नाम क्या है भी एसीटोन सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री एसीटोन, ये है आपका ग्रिनार रिएजेंट, किसकी प्रेजेंस में अभिक्रिया होगी शुष्क ईथर की प्रेजेंस में, तो कैसे टूट जाएगा यहां से सेम फंक्शन है ग्रिनार रिएजेंट, जब भी अभिक्रिया करवाएं हमेशा मेटल पे क्या लाएं पार्शियली पॉजिटिव, एल्किल ग्रुप पे क्या लाएं पार्शियली नेगेटिव, एसीटोन में कौन सा बॉन्ड डिस्कनेक्ट हो जाएगा यहां से कार्बोनेट बॉन्ड डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो यहां पे क्या आएगा पार्शियली नेगेटिव, यहां पे क्या आएगा पार्शियली पॉजिटिव, तो देखो ओ नेगेटिव के ऊपर क्या जुड़ जाएगा एम जी एक्स पॉजिटिव जुड़ जाएगा, और इस पॉजिटिव के ऊपर कौन आ जाएगा आर नेगेटिव, तो देखो ये एडक्ट बन जाएगा आपका सी एस थ्री सी ओ, यहां पे मैंने जोड़ दिया एम जी एक्स, यहां पे कौन सी एस थ्री पहले से था, यहां पे क्या जुड़ जाएगा इस पॉजिटिव आर, युगोत्पाद बन जाएगा, इस युगोत्पाद का क्या करवाना है तनु एसिड की उपस्थिति में, तनु एच प्लस के रूप में एच टू एस ओ फोर हो सकता है एच थ्री पी ओ फोर हो सकता है, इसका क्या करवाना है यहां से हाइड्रोलाइसिस, कैसे टूट जाएगा वाटर मॉलिक्यूल एज ए पॉजिटिव, यहां पे कहेगा ओ एच नेगेटिव, कौन सा बॉन्ड डिस्कनेक्ट करना है डेप्थ का मेटल वाला, मेटल पे क्या लाना है पार्शियली पॉजिटिव, इसके ऊपर क्या आएगा पार्शियली नेगेटिव, एम जी प्लस के ऊपर क्या जुड़ जाएगा ओ एच नेगेटिव, तो देखो ये क्या बाहर निकल जाएगा सह उत्पाद के रूप में एम जी एक्स ओ एच, इसका नाम क्या होता है क्षारीय मैग्नीशियम हैलाइड, और यहां पे देखो सी एस थ्री सी सी एस थ्री ये आर सी एस थ्री सी आर सी एस थ्री सी एस थ्री सी आर सी एस थ्री, सिंगल बॉन्डेड कौन है यहां पे ओ, इस ओ नेगेटिव पे क्या जोड़ दे एच, तो एल ओ एच का मतलब क्या बन गया यहां पे एल्कोल, कैसा एल्कोल बन गया, अब ओ एच समूह से जुड़ा हुआ कार्बन क्या है ये वाला कितने एल्किल समूह जुड़ रहा है तीन से, तो कैसा एल्कोल कहलाएगा ये 3 डिग्री एल्कोल,
तो डियर स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही काफी।